ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं शायद इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर तस्वीरों में से एक है। तस्वीर रूस की राजधानी मॉस्को की है। एक लड़की क्रॉस लेकर बैठी है, उसके हाथ में रूस का संविधान है, पीछे मॉस्को की पुलिस खड़ी है जिसके हाथों में हथियार है। ये तस्वीर मॉस्को में हो रहे विरोध प्रदर्शन की सबसे ताकतवर तस्वीर बन गई है। 17 साल की ओल्गा मिसक 27 जुलाई को हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान देश का संविधान लेकर बैठ गई, ये दिखाने के लिए कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है और वह हथियारों से डरने वाली नहीं है। ये तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है, इसे लोग शेयर कर रहे हैं और इस बारे में बात कर रहे हैं। ओल्गा मिसक ने एक मीडिया संस्थान को बताया, मैं पुलिस को याद दिलाना चाहती थी कि हम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के साथ और हथियारों के बिना हैं। मैं जमीन पर बैठ गई और हमारे संवैधानिक अधिकारों को पढ़ना शुरू कर दिया जो संविधान में लिखा है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर रही थी और ये अवैध है। अन्याय हमेशा सभी को चिंतित करता है, ये सोचना मूर्खतापूर्ण है। ये प्रदर्शन केवल स्वतंत्र चुनाव या उम्मीदवारों को चुनाव में भाग लेने के लिए है। ये रैली संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए है जिससे लोकतांत्रिक राज्य में सवाल किए जा सके। पुलिस ने मेरे हाथ और पैर पकड़ लिए थे और मुझे अंडरपास से घसीट रही थी। मैं चिल्लाई कि वे मुझे चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वे बेहतर जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटी और बोलती रही अपने अधिकारों के बारे में। इस वक्त दुनिया भर से लोग ओल्गा मिसक के इतने ताकतवर काम की खूब सराहना कर रहे हैं। कम से कम वो अपने संविधान का सम्मान तो करते हैं। अगर हम अपने देश की ही बात करें तो यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र संविधान को जलाया जाता है और कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती। ये हमारे देश के हालात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।